तो जनरल एग्रीकल्चर का आज टॉपिक है, कुछ आइडेंटिफिकेशन हमने यहाँ कुछ ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो दो आपके राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं। अब हम पहले बात करते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूला पर्टिकुलरली हम पहले आपसे बात कर रहे हैं बर्न बर्न लाइन, सेकेंड इज हमने बात की थी कैल सेट, थर्ड इज डोलो माइट एंड हाइड्रस लाइम। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फॉर्मूले आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है, जो अब हम लिखने जा रहे हैं, वो है आयरन पाइराइट। BHU एग्जाम का ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉइल एंड द फॉर्मूलाज। यहाँ आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि अभी हमने जो जितने लिखा है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में आए हुए हैं, और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया है 2017 में वो है आयरन पाइराइट। चलिए देखते हैं वन बाय वन इनके फॉर्मूले। आयरन पाइराइट या पाइराइट, आंसर इज आयरन है, तो Fe तो आपको याद है। प्लीज आपको यह याद क्या रखना है, क्या याद रखना है, S2। तो इसका पूरा फुल फॉर्मूला क्या हो गया, Fe2। ओके, यहाँ एक और चीज अगर हम बात करें सल्फर की, सल्फर परसेंट की बात करें आयरन पाइराइड में, तो आंसर इज 22 to 24, जो कि GRF एग्रोनॉमी वाले बच्चों के लिए, जो GRF लिख रहे हैं, ICAR PG एंट्रेंस एग्जाम एग्रोनॉमी का लिख रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। समटाइम BHU एग्जाम में भी आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो आपको ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट है बर्न लाइन, आंसर इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ आपको इतने से काम नहीं चल रहा है कि आप कैल्शियम ऑक्साइड याद रख लीजिए, बट आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट इज कैल्सेट, आंसर इज CaCO3। ये याद रखना है, CO3 हमने एक बार बताया भी था शायद, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, यहां बात करते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट की या कैल्शियम, तो इसमें जो कैल्शियम परसेंट होता है, इसमें कैल्शियम परसेंट 71% अप्रोक्सीमेट कैल्शियम इज कंटेन इन कैल्शियम ऑक्साइड, तो प्लीज आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं डोलोमाइट। डोलोमाइट को हमने वापस से रिपीट कर दिया है, बट ये कि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम आपको याद करवाना चाह रहे हैं, इसीलिए आप इसको भूलिए मत। ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यहाँ क्वेश्चन क्या आता है, दिस इज कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम कंटेनिंग, सो आपको ये याद रखना है। हम लिख दे रहे हैं कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड हाइड्रस लाइम, हाइड्रस लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मिनिमम फॉर्मूला पता होना चाहिए। फर्स्ट इज आयरन पाइराइट, बर्न लाइन, कैल्सेट, डोलोमाइट एंड हाइड्रस लाइम। अब बात करते हैं हमने यहाँ बात की एक पॉइंट की कि कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम परसेंट होता है 71 एंड आयरन पाइराइड में जो सल्फर परसेंट होता है वो 22 से लेके 24% तक होता है। आप अगर BHU प्रिपरेशन कर रहे हैं तो BHU का बेसिक, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का आपका वन, क्योंकि 1 क्वेश्चन अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो यू कैरी 3 मार्क्स, आपको वहां एक
एक क्वेश्चन दिख रहा है, बट अगर आप इतना सिली क्वेश्चन छोड़ते हैं बीएचयू एग्जाम के लिए तो आपके लिए काफी लॉस है. क्यों? क्योंकि बीएचयू एग्जाम के लिए काफी स्टूडेंट बीएचयू एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, बट यही है कि आपको याद रखना है कि आपका एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स. और 3 मार्क्स क्या, मैं आपको एक चीज बता दूं, बीएचयू एग्जाम में 0.1 से भी आपकी सीट रह जाती है, क्योंकि वहाँ आपकी नंबर ऑफ सीट्स कम होती है. मैक्सिमम स्टूडेंट बीएचयू फॉर्म डालते हैं, तो प्लीज आपको एक एक क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी बेसिक्स है, इसमें आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है. अगर आपको आता है तो आपके लिए तो वेल एंड गुड है. क्यों? क्योंकि अगर आपको एक क्वेश्चन अगर बहुत ईजी आता है तो आपके वहाँ 3 मार्क्स सेफ हो रहे हैं. तो हमें यहाँ सेफ पॉइंट लेके चलना है. पहला हम देखते हैं अब नेक्स्ट कि हमारा ये जो फिगर है इसमें क्या बताना चाह रहे थे. थोड़ा आप उसको देखिए डायग्राम को. तो ये किसका डायग्राम है? पहले तो हम क्रॉप का नाम लेते हैं ग्राम. किसका नाम है? ग्राम. ग्राम. दिस एपिक प्लगिंग ऑफ एपिकल बर्ड, प्लगिंग ऑफ एपिकल बर्ड इज कॉल्ड निपिंग. द निपिंग इज अ कॉमनली प्रैक्टिस इन निपिंग इज कॉमनली प्रैक्टिस टू प्लगिंग द एपिकल बर्ड टू इनहांस द लेटरल ब्रांचेस. एम क्या है? टू इनहांस द लेटरल ब्रांचेस. एंड निपिंग कब करते हैं? याद रखना है 30 से 35 डे आफ्टर सोइंग. और निपिंग कौन से क्रॉप में होता है? ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है. ये भी काफी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये काफी टाइम बी एच यू एंड अदर एग्जाम में आया हुआ है, तो प्लीज इस पे थोड़ा आप देखिए. फिर हम यहाँ बात करते हैं, हमने नेक्स्ट लिखा था प्रेजेंस ऑफ एसिड. सो योर आंसर इज मैलिक एसिड. योर आंसर इज मैलिक एसिड. यहाँ बात करें हम ये पॉड और सीड क्या है, तो आपको याद रखना है स्पेशली किसके केस में, ग्राउंड नट के केस में. ये 2016 या 17 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एग्रोनॉमी में पर्टिकुलर. तो यहाँ याद रखना है ग्राउंड नट के सीड को तो सीड कहते हैं, मगर ये पूरे ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? पॉड. ठीक है, तो हमने यहाँ जो भी चीजें आज जो भी देखा है, आप ऐसे करके आपने अभी जो 15 to 20 क्वेश्चंस आप लोग ने यहाँ अटेम्प्ट किए हैं, ज्यादा से ज्यादा आप डायग्राम फॉर्मेट में पढ़ाई करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपका बीएचयू अच्छे अच्छे मार्क्स से निकले. और ये कि अच्छे मार्क्स के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करना है, बट यहाँ आपको याद रखना है कि आपको हम एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में आ रहा है वो फॉर्मेट समझा रहे हैं, आप उसको सिर्फ फॉलो करिए, वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए. अगर और ये कि आपका काफी कम दिन बाकी है बीएचयू के लिए, तो थोड़ा आप उसमें स्ट्रगल करिए पर्टिकुलर आपके टॉपिक वाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डियर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू पर्टिकुलर एग्रीकल्चर नीडी स्टूडेंट. थैंक यू.